नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बेट, ओनली टेक। दोस्तों आज है संडे और संडे होता है फंडे, और मैं लेकर आया हूं आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स। आज मैं आपके कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, इनका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। पहला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं हेल्प फॉर यू, और ये लिखते हैं ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जो ये कहते हैं कि योगी जी 10 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो 9 मिनट 58 सेकंड की है, अगर ये चाहते हो तो 2 सेकंड और भी बढ़ा सकते थे। बहुत अच्छा आपका कमेंट है कि आप मुझे समझते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो 9 मिनट 58 सेकंड का था, और ये बात सही है, मैं चाहता तो 2 सेकंड नहीं, 20 सेकंड नहीं, 2 मिनट भी बढ़ा सकता था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बड़ा वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं है। मेरे को एक ही प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी टॉपिक अगर आपको समझा रहा हूं तो वो पूरी तरह एक्सप्लेन करूं, ताकि उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे। और एक चीज और बता दो, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं 10 मिनट का कभी कभी बड़ा वीडियो बना देता हूं सिर्फ ऐड के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि YouTube की नई पॉलिसी के अनुसार अब मिडरोल जो ऐड है वो 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट की वीडियो में भी ज्यादा आने लगे, एक से ज्यादा यानी दो एक साथ आ जाते हैं, तो वो कुछ नहीं है। और हाँ एक चीज और, एडसेंस से पैसा कमाना वही यूट्यूबर सोचता है जो नया है। अगर कोई पुराना यूट्यूबर है उसको समझ में आता है कि एडसेंस से ज्यादा कमाई नहीं होती, बल्कि यूट्यूब से और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप एडसेंस से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो हेल्प फॉर यू भाई, आप मुझे समझते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। अगला जो कमेंट है लिखने वाले इब्राहिम जावेद, और ये लिखते हैं हैकिंग से कैसे बचे, आजकल बहुत हैक हो रहे हैं, चैनल फुली एक्सप्लेन वीडियो चाहिए। देखो मेरे भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर मैं फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो नहीं बना सकता हूं। हैकिंग से बचने के लिए सिंपल सी बात है, हमें चौकन्ना रहना है, किसी के जाल साजे में नहीं आना है। फुली एक्सप्लेन वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो दिन भर नए नए तरीके सोचते हैं आपको जाल में फंसाने के, किस तरीके से आपका आईडी पासवर्ड चुराया जाए, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर मैं बहुत सारे तरीके बता भी दूंगा तो हो सकता है मेरी वीडियो जब तक आपको पहुंचे वो और तरीके ढूंढ ले। तो सिंपल सी बात है, सारे तरीकों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बस आप चौकन्ने रहे। लेकिन कोई भी उनका नया तरीका मुझे पता चलता है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाता हूं, ताकि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं साजन नास्तिक, और ये लिखते हैं योगी जी आपने बताया कि कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक YouTube अपनी तरफ से नहीं देता है, ओनर के कहने पर ही देता है। आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इसको मानता हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक सॉन्ग अपलोड करते ही मुझे कॉपीराइट आ गया, और ओनर इतनी जल्दी उसके ऊपर एक्शन कैसे ले लिया, क्लियर कीजिए। भाई क्लियर तो मैंने उस वीडियो में ही कर दिया था जिसमें आपको ये पता चला, लेकिन क्या है वीडियो 10 मिनट के आसपास की थी और आपने 4-5 मिनट ही देखी। उसके वीडियो में जो दूसरा पार्ट था, यानी कि 5 मिनट के बाद का जो पार्ट था, उसमें मैंने क्लियर किया था कि यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक तो कॉपीराइट ऑनर जब यूट्यूब को रिपोर्ट करता है तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है, और एक कॉपीराइट क्लेम जो मिलता है या वीडियो वर्ल्ड वाइड जो ब्लॉक होती है वो ये होती है कि आपने जो सॉन्ग यूज किया है वो किसी ऐसे चैनल का किया है जिन्होंने यूट्यूब से कॉन्टेंट आईडी क्लेम की हुई है, यानी कि कॉन्टेंट आईडी ली हुई है। और जो कॉन्टेंट आईडी होती है जिसने ली होती है, अगर आप उस ओनर का कोई भी मटेरियल उठाकर यानी कि कॉपी करके अपनी वीडियो में डालते हैं तो जो मशीन लर्निंग सिस्टम है यूट्यूब का वो आपको तुरंत की तुरंत कॉपीराइट क्लेम भेज देता है। या मान लो जो कंटेंट आईडी क्लेम जिसने किया हुआ है, जिसने कंटेंट आईडी ली हुई है, उसने वर्ल्ड वाइड ब्लॉक या कुछ ऐसी सेटिंग की हुई है तो आपका वीडियो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो जाता है। तो ये रीजंस होते हैं, अगर वीडियो को अपलोड करते तुरंत कॉपीराइट क्लेम आता है मतलब आपने जो म्यूजिक या कुछ भी मटेरियल उसमें यूज किया है उसका जो ओनर है उसने कंटेंट आईडी ली हुई है, और मशीन लर्निंग सिस्टम की वजह से ये तुरंत की तुरंत हो जाता है। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं धर्मेंद्र जी, और ये लिखते हैं योगी सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या फिल्मोरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कमटेसिया या काइन मास्टर से कभी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, अगर आएगा तो कौन से काम में आएगा, थैंक्स लव फ्रॉम पंजाब। देखिए भाई, वैसे तो सॉफ्टवेयर किसी को कभी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देते, लेकिन हाँ मैं एक चीज आपको बता देता हूं, पहले से ये चलती हुई आ रही है। अगर मान लीजिए आप एक क्रिएटर है और आप कोई भी एक एडिटर यूज करते हैं और आपने वो परचेज नहीं किया है, कुछ जुगाड़ किया हुआ है, तो जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करेगा और एक जो चैनल है उस पर एक अच्छी रीच बन जाएगी तो उस कंपनी की या तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और वो कह देंगे अगर आपका टेक का चैनल है तो
तो आपको स्पॉन्सरशिप दे देंगे और कह देंगे कि आपको हम लाइफ टाइम का या 1 साल का पूरा लाइसेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप हमारे लिए एक स्पॉन्सरशिप वीडियो बना दो और उसके लिए वो पैसे भी आपको देंगे। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, मान लो आपका टेक का चैनल नहीं है तो भी हो सकता है कि वो आपको किसी तरह से कोई वीडियो में इंटीग्रेटेड करने के लिए स्पॉन्सरशिप दे। या इसका तीसरा कारण एक और भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेल्स आने लग जाती है कि भाई देख बहुत हो गया, बहुत फ्री में यूज कर लिया, अब प्लीज इसको परचेज कर लो। तो यार अगर आप ग्रो कर चुके हो, रीच आपकी अच्छी हो गई है और आपको अगर इस तरह का मेल आए तो आपको सॉफ्टवेयर उस वक्त परचेज कर लेना चाहिए। अदरवाइज कॉपीराइट की अगर जहां तक बात आई है तो एक कंडीशन हो सकती है कि मान लो हम कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उसमें जो म्यूजिक वगैरह है वो भी हम यूज कर लेते हैं और हम देखते हैं कि ये जो म्यूजिक है वो कॉमन क्रिएटिव नहीं है कहीं भी, ये जो म्यूजिक है ये इसी सॉफ्टवेयर का है, यानी इस म्यूजिक का ओनर ये सॉफ्टवेयर वाला ही है, तो वो आपको कहीं ना कहीं भले ही कॉपीराइट ना दे लेकिन वो आपको मेल करके ये पूछ सकता है कि आपने परचेज कब किया था, आपके पास लाइसेंस कहाँ है इसका, तो आपने म्यूजिक यूज कैसे किया। तो हो सकता है उस वक्त वो आपसे मतलब को फोर्स करे कि भाई आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीद लो। ये अभी तक केस आए, कॉपीराइट स्ट्राइक का केस अभी तक मेरी नजर में नहीं आया, लेकिन जो मैंने ये चीजें बताई है ये बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं कोर क्रिएशन, और ये लिखती है योगी भाई मैं सर्विस में हूं और हर 3 साल में बदली हो जाती है, एड्रेस बदल जाता है, एड सेंस करने में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी क्या। ओके मैं समझ गया, आप कोई सर्विस करती हैं और हर 2-3 साल में 4 साल में आपकी बदली हो जाती है यानी कि ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए मैम, आप कोर है तो शायद मैम ही होंगी, तो मैम देखिए मैंने आपको क्लियर पहले भी कई बार बताया कि अगर आप एडसेंस में एड्रेस एक बार लगाते हैं तो आपके घर एक पिन आता है, यानी कि एक एनवलप आता है उसमें एक सीक्रेट पिन होता है, उससे आपका एड्रेस वेरीफाई किया जाता है। और आईडी वेरीफाई करने के लिए आप अपना पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड तो मान्य नहीं है, या फिर और भी कोई पासपोर्ट वगैरह आइडेंटिटी लगाते हैं तब तो आपका आईडी वेरीफाई होता है और एड्रेस वेरीफाई के लिए वो पिन आपके घर भेजते हैं। अब मान लीजिए मैं एक घर में रहता हूं, मैंने आज एडसेंस बनाया, मेरा 1 महीने बाद मोनेटाइज हुआ, उसके अगले महीने मैंने उस घर पे अपना पिन भी मंगवा लिया और मेरा एड्रेस वेरीफाई हो गया, अब मैं कहीं भी रहूं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आने वाली है, तो आप निश्चिंत रहिए इससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं टेक्नो रवि जी, और ये लिखते हैं योगी भाई कितना भी टाइम ना मिले पर संडे कमेंट बॉक्स देखे बिना नहीं रह सकता हूं। रवि भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप हमारे सारे संडे कमेंट बॉक्स देखते हैं तो आपके दिमाग में कभी कोई सवाल शायद नहीं बचेगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं यहां पर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं, तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आज आपकी हो और वही प्रॉब्लम किसी ने मुझसे पूछी हो तो आपको आपके सवाल का जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आप हर संडे कमेंट बॉक्स देखते हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है मैं कलेक्ट करता हूं, उनके जवाब देता हूं, वो सारे जवाब आपको पहले से पता है। भविष्य में हो सकता है आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने पहले ही सुन रखा है तो आपको कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं संडे कमेंट बॉक्स बनाता हूं। इसको 2 आदमी भी देखेंगे तो भी मैं इसे बंद नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल होता है और बहुत काम का होता है, तो मैं चाहता हूं आप इसको शेयर भी करें ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वाकई में क्या क्या होता है। जब सभी लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम अगर कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमें सोल्यूशन पहले से पता होता है। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं स्नीपर गेमिंग, और ये लिखते हैं योगी जी आप हर वीडियो में बोलते हैं कि खुद का चल का वीडियो कभी नहीं देखना चाहिए, तो बताओ बिना देखे हम अपना वीडियो में कमेंट कैसे करें, YT स्टूडियो से रिप्लाई दे सकते हैं लेकिन खुद का कमेंट नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन कोई बात नहीं, वैसे चाहते थे तो थोड़ा सा माइंड आप भी यूज कर सकते थे क्योंकि भगवान ने माइंड सबको बराबर दिया है, किसी को ज्यादा कम नहीं दिया, बस यूज करने का थोड़ा सा तरीका है, लेकिन कोई बात नहीं मैं हूं आपका भाई आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसका एक तरीका है, आप क्या कीजिए अपने वीडियो का मोनिटाइजेशन ऑफ कीजिए, ठीक है ऑफ रखिए उसको और उसको अनलिस्टेड कर दीजिए, पब्लिक मत कीजिए अभी, क्योंकि अगर आप मोनेटाइज बंद किया हुआ है और आप पब्लिक कर देंगे और मान लीजिए 1 मिनट में 200 क्लिक भी आपको आ गए तो 200 क्लिक में जो एडवर्टीजमेंट आने वाले थे उनका नुकसान आपको हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मोनेटाइज ऑफ कीजिए, अनलिस्टेड कीजिए और अपनी वीडियो में जाके कमेंट कर दीजिए, तो वहां पर इनवैलिड क्लिक होने का कभी कोई खतरा नहीं रहेगा, और फटाफट से कर दीजिए, कमेंट लिख के रखिए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद वापस आइए
अपनी वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन कीजिए और उसे पब्लिश कर दीजिए। ऐसा करने से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो तरीका है सिर्फ कमेंट करने के लिए, इसका गलत यूज मत कीजिएगा। कहीं सोचो कि यार इसके साथ भी कोई जुगाड़ लगा लेते हैं और सोचते हैं कि चलो योगी भाई ने कहा था। अपना कमेंट करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, मैं भी कभी कभी ये यूज करता हूं। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले शर्मा टेक, और ये लिखते हैं योगी भाई क्या गूगल से फैक्ट उठाकर यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने से कॉपीराइट आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए फैक्ट की जो बात यहां तक आती है तो फैक्ट एक नॉलेज है, तो आप नॉलेज या तो किताबों से पढ़ेंगे या आप कोई सीडी देखेंगे, उसके लिए कोई सीडी होती है जो नॉलेजेबल, या आप यूट्यूब देखेंगे या आप गूगल करेंगे। सिंपल सी बात है, नॉलेज आप क्रिएट तो नहीं कर सकते ना, सिर्फ सर्च कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आप करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन वीडियो आप अपनी भाषा में बनाएं, अपनी लैंग्वेज में बनाएं। और ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप गूगल से जैसा पढ़ते हैं उसको थोड़े अलग अंदाज में आप पेश कर सकते हैं, इससे वो चीज में भी एक ओरिजिनलिटी सी झलकती है और वो आपकी हो भी जाती है, तो इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं निशा खान, और ये लिखती है योगी जी एक बार रिव्यू में मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, क्या दोबारा रिव्यू में जाता है तो क्या मोनेटाइज हो सकता है या नहीं, प्लीज रिप्लाई, आई रिस्पेक्ट यू। ओके, देखिए छोटा सा डाउट है और ज्यादा बड़ा डाउट ये नहीं है। अगर आपने एक बार चैनल को रिव्यू में भेजा, आपका मोनेटाइज नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात आपको पता चलेगा कि आपका चैनल आखिर मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ, आपके चैनल पर ऐसी कौन कौन सी वीडियोज हैं जिनकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो बस वो जो कमियां हैं उनको दूर कर लीजिए दूसरी बार जब आप रिव्यू में भेजते हैं तब तक। तो जब आप दूसरी बार रिव्यू भेजेंगे तो कमियां तो आपने दूर कर दिया, आपका चैनल जेन्युइन हो गया, तो इस बार आपका मोनेटाइज हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे के वैसे भेजेंगे तो सीधी सी बात है, फिर तो यार रिजेक्ट हो ही जाएगा। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं फिल्मी दुनिया, और ये पूछते हैं योगी सर टैग और डिस्क्रिप्शन नहीं डालेंगे तो क्या होगा? ओके, तो देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप टैग नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो फिर भी चलेगी, थोड़ा बहुत सर्च रैंक कम हो सकता है बट ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं डालेंगे तो वो अलग बात थी, पहले कि नहीं डालते थे कुछ नहीं होता, अभी जो बीटा स्टूडियो है इसमें अगर आप डिस्क्रिप्शन में एक भी वर्ड नहीं लिखेंगे तो उस वीडियो को आप अपलोड ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बीटा स्टूडियो के अंदर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका मालूम नहीं है तो 17 मिनट का एक पूरा ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है, आई बटन में उसका लिंक देने की कोशिश करूंगा, उसको देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि बीटा स्टूडियो में वीडियो को प्रॉपरली हम कैसे अपलोड करते हैं। और यही थे आज के कुछ कमेंट, मुझे लगा कि इनके रिप्लाई आपको देना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे, कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करता हूं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।